एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है हाउ टू अप्लाई लिपस्टिक फॉर बिगिनर्स, कि हम लिपस्टिक जो शुरुआत में है, जो जिनको लिपस्टिक लगाना नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है। एंड आप सोच रहे होंगे कि क्यों हिंदी में, तो या आज का वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं ताकि ये हर एक लोगों के लिए एडवांटेज हो सके, फायदा हो सके। हर एक एज की औरतें लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं ये टॉपिक में आज हिंदी में बनाऊं ताकि सब लोगों के लिए बहुत इजी हो। और जो मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ, जो हैक्स दिखाने वाली हूँ, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप देखना और हर एक स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है टू ऑलवेज प्रेप योर लिप्स। सो हमेशा अपने लिप्स को प्रेप करें लिपस्टिक लगाने से पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ले रही हूँ वैसलीन। वैसलीन को लगाऊंगी अपने लिप्स पे, अच्छा खासा क्वांटिटी लेना और लिप्स पे लगाना है। एंड देन आपको ब्रश लेना है और ब्रश की मदद से हम इसे एक्सफोलिएट करेंगे। एकदम हल्के हाथ से, ज्यादा घिसना नहीं है, लिप्स है, टीथ नहीं है अपने, तो बहुत हल्के हाथ से करना है। सो इसको हम सर्कुलर मोशन में एक्सफोलिएट करेंगे लिप्स। अब हम टिश्यू लेंगे और एक्सेस जो भी है उसे पोंछ देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, जब हम मैंने पूरा एक्सफोलिएट किया उससे मेरे लिप्स भी एकदम प्लम हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे कोई लिप बाम या प्राइमर या कुछ भी। लिप प्राइमर आते हैं, लिप बाम भी आप लगा सकते हो कि ताकि थोड़ा मॉइस्चर हो जाए अपने लिप्स। तो अब हम लिप बाम लगाएंगे। तो हमने जो एक्सफोलिएट किया ब्रश से, सो उससे क्या होता है, अपनी डेड स्किन जो भी है सब निकल जाती है और अपने लिप्स स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी इस वजह से क्या होता है, अपना जो एप्लीकेशन है लिपस्टिक का वो बहुत अच्छे से होता है, स्मूथली होता है। तो आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करो या क्रीम करो, कोई भी लिपस्टिक करो, बहुत ईजीली यूज़ होता है और स्वॉप होता है। वो ड्राई, मतलब एकदम ड्राई और फ्लेकी नहीं लगता है स्किन, मतलब स्किन निकलती है एकदम ड्राई हो जाता है लिप्स, वैसा नहीं होता है, स्मूथ एप्लीकेशन होती है और लिपस्टिक भी बहुत अच्छी अप्लाई होती है सॉफ्ट और स्मूथ लिप्स होने से। तो अभी सेकेंड स्टेप है पिगमेंटेशन कैंसलेशन। सो जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे पिगमेंटेशन है लिप्स पे, लाइक मेरी आउटर कॉर्नर ऑफ द लिप्स और कॉर्नर में डार्क है। तो जिसके भी लिप्स डार्क हो, पिगमेंटेशन हो, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम या तो फाउंडेशन या तो कंसीलर लगाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा लगा के ब्लेंड करके बाद में हम लिपस्टिक लगाएंगे। सो हमेशा, तो इससे क्या होता है कि आप जो भी लिपस्टिक लगा रहे हो वो उठ के आएगा उसका कलर। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही लिप्स पे लगाओगे कोई भी कलर, तो वो कलर उठ के नहीं आने वाला है और आपके लिप्स भी डार्क दिखेंगे वो कलर के साथ मर्ज होके। तो हमें वो नहीं करना है, लिप्स एकदम उठ के आए, लिपस्टिक एकदम कलर उसका बहुत उठ के आए, इसके लिए हम कंसील करेंगे लिप्स को, कैंसिल करेंगे डार्कनेस। तो हम थोड़ा सा लगाएंगे लिप्स पे। ब्रश या हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो थर्ड स्टेप है ऑलवेज लाइन योर लिप्स। सो आप हमेशा लाइन करें अपने लिप्स को जब आपको लिपस्टिक लगाना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई जनों को कि नॉर्मल क्रीम लिपस्टिक जब आप लगाते हो
तो किसी का ब्लीड होता है, किसी का बाहर आता है, किसी का अनइवन रहता है, जो शेप नहीं रहता है प्रॉपर. सो हमेशा आप लाइन करें अपने लिप्स को. तो ये क्या करता है, जब आप लाइन करते हो लिप्स को तो आपके लिप्स भी फुलर दिखते हैं, शेप में दिखते हैं और अच्छा लगता है जब आप लिपस्टिक लगाते हैं. तो मैं फर्स्ट आपको दिखाऊंगी इवन लिक्विड लिपस्टिक्स. लिक्विड लिपस्टिक का क्या है, अगर अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको प्रॉपर नहीं आता है लगाने, आप बहुत घाई में हो, आपको जल्दी जाना है एंड आप लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो एंड कहीं से ऊपर नीचे हो गया, तो फिर वो लिक्विड लिपस्टिक है ना सूख जाता है जल्दी एंड फिर उसको मिटाना, सही करना बहुत मेसी हो जाता है. तो आप हमेशा उसको लाइन करें लिप्स को एंड देन फिल करें, तो वो आपके लिए भी ईजी रहेगा. एक बाउंड्री हो जाती है कि आपको उसके अंदर ही लगाना है और वही शेप में लगाना है लिपस्टिक. तो कैसे लिप्स को लाइन करेंगे वो अब मैं बताती हूँ आपको. तो हमेशा जब आप लिप पेंसिल ले रहे हो तो जरूर देखना कि उसका पॉइंटेड होना चाहिए, शार्पन होना चाहिए. अगर शार्पन नहीं है तो उसे शार्पन कर दो और ऐसा पॉइंटेड कर दो ताकि इजी हो एप्लीकेशन के लिए, कॉर्नर्स में या कहीं भी आप लगा रहे हो तो. एंड हमेशा हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से लगाना. तो क्या करेंगे, पहले हम पहला स्टेप है इसका, तो हम एक्स बनाएंगे. ये यहाँ से किया हमने और ये यहाँ से किया. तो हमने ये एक्स बना दिया लिप फिल करने के लिए. एंड देन हम जाएंगे एंड हमेशा याद रखना, यूजुअली हम क्या करते हैं, मैं आपको डिफरेंस भी दिखाती हूँ. हम ऐसे करते हैं, सीधा इसको ऐसे नीचे लेके जाते हैं. ऐसे नहीं करिए, हमेशा जब आप लगा रहे हो तो नीचे से ऊपर आना. थोड़ा टिल्ट करो अपने सिर को और आपको फर्क नजर आ रहा है दोनों में, ये कैसे एकदम नीचे चला गया है और ये एकदम फुलर लग रहा है, उठ के आ रहा है. ये आप डिफरेंस देख सकते हो यहां से ही, ये एकदम नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है नीचे से. सो ये हमेशा याद रखना कि जब आप लाइन भी कर रहे हो लिप्स, थोड़ा टिल्ट करके नीचे से ऊपर उसको लाओ, तो ये लिप्स आपके फुलर भी दिखेंगे. हम नीचे लगाएंगे, अगर आपको नहीं जमता है तो तीन डॉट्स करके उसे ज्वाइन कर दीजिए. सो अभी ये क्या हुआ है, इधर थोड़ा सा नीचे गया है, तो हम वो भी करेक्ट करेंगे. नॉट टू वरी, आप डरिए मत, मैं हर एक चीज़ का हर एक हैक आपको दिखाऊंगी कि अगर ये गलती हो गई है तो क्या करना है आपको. तो मैं पहले आपको दिखाऊंगी क्रीम लिपस्टिक का कि उसको लॉन्ग लास्ट, अभी आपको क्रीम लिपस्टिक लगानी है और उसको लॉन्ग लास्ट चाहिए आपको कि आपकी लिपस्टिक बहुत टाइम तक रहे, क्योंकि यूजुअली लिक्विड लिपस्टिक आपकी लॉन्ग टाइम तक रहती है, उसको टचअप की ज़रूरत नहीं रहती है. पर अगर आप क्रीम लिपस्टिक लगा रहे हो तो उसके लिए आपको ज़रूरी रहता है कि आपकी लॉन्ग लास्ट रहे. तो अभी लॉन्ग लास्ट रहना है आपकी लिपस्टिक, तो आप क्या करेंगे, हमेशा लिप करिए पहले लिप पेंसिल से, सेम शेड का लिप पेंसिल लीजिए, फिल करिए अपने लाइन करिए लिप्स एंड देन फिर फिल करिए इससे. आप देख सकते हैं हमने फिल कर दी एंड देन बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक. सो अब हम लिपस्टिक लगाएंगे ऊपर से ही.
आप देखें मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से ऊपर आ रही हूँ, ना कि हम ऐसे लगाएंगे, हमेशा नीचे से ऊपर आए तो आपकी लिप्स फुलर दिखेंगी। जो मेस हुआ है वो हम करेंगे क्लियर, उसका हैक भी मैं दिखाऊंगी कि अगर ऐसा हो जाए, ब्लीड हो जाए, मतलब स्प्रेड हो जाए गलती से, तो आपको क्या करना है वो दिखाऊंगी मैं। ट्रांसफर प्रूफ चाहिए कि ऐसे ट्रांसफर ना हो, आप देख सकते हैं ये ट्रांसफर हो रही है। तो अगर ट्रांसफर प्रूफ करनी है तो हम एक टिश्यू लेंगे, ट्रांसफर प्रूफ करने के लिए कोई भी लिपस्टिक, क्रीमी लिपस्टिक, कोई भी लिपस्टिक हो तो आप टिश्यू लीजिए, हल्के हाथ से कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रांसफर नहीं हुई, सो ऐसे आप अपना ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक कर सकते हैं। अभी हम, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको अभी क्लीन कैसे करेंगे, जो अपना हमारा गलती हो गई है तो उसको करने के लिए हम कंसीलर लेंगे और एक ब्रश लेंगे और उससे करेक्ट कर देंगे, ताकि वो उठ के भी आए, शेप भी हो जाए और अपना जो मिस्टेक हमने की है वो कैंसिल आउट हो जाए और वो प्रॉपर हो जाए। मैं ब्रश में ऐसा कोई फ्लैट ब्रश लेना एंड देन थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं बहुत कम कंसीलर लो उसमें, एंड जहाँ हमारी मिस्टेक हुई है उसे हम शेप कर देंगे। और फिर हाथ से थोड़ा डैप कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा है, इधर भी हम लगाएंगे। अब हम इसे डार्क कर देंगे। देख सकते हो ऊपर भी थोड़ा है, सो हम ऊपर भी थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। So, जैसे आप देख सकते हैं जो भी हमारी मिस्टेक हुई थी वो हमने करेक्ट कर दी एक कंसीलर की मदद से, कंसीलर और ब्रश की मदद से। तो जब भी आपका ऐसा हो तो आप इसे कर देना, तो आपका शेप भी अच्छा दिखेगा लिप का एंड आपका जो भी मिस्टेक हुआ है वो भी करेक्ट हो जाएगा। सो लॉन्ग लास्टिंग के लिए और ट्रांसफर प्रूफ के लिए और एक हैक है जो हम यूज कर सकते हैं। अभी क्रीमी लिपस्टिक्स बहुत क्रीमी होती है तो वो डेफिनेटली ट्रांसफर होगी। अभी ये थोड़ी मैट है मैंने जो लगाई है तो वो इतना ट्रांसफर नहीं होता है, पर जो क्रीमी रहती है वो डेफिनेटली ट्रांसफर होती है और मिट सकती है। सो हम लिप्स लाइन करके उसको फिल करके एंड देन हम लिपस्टिक लगाएंगे, एंड देन ट्रांसफर प्रूफ के लिए हम क्या लेंगे, एक टिश्यू लेंगे, उसको सिंगल ही रखेंगे एंड ऐसे रख के हम थोड़ा लूज पाउडर लेंगे, कोई भी पाउडर लीजिए, लूज पाउडर या नॉर्मल जो पाउडर आपके घर पे हो, कोई भी पाउडर लेके, तो हम लूज पाउडर लेंगे इसमें थोड़ा सा एंड देन टिश्यू को रख के सिंगल रखेंगे हम, ऐसे हम रख के पाउडर डार्क कर देंगे। आप देख सकते हैं, देखिए जो भी था सब आ गया और ये आपका ट्रांसफर प्रूफ रहेगा। अभी ट्रांसफर भी नहीं होगा और लॉन्ग लास्ट भी रहेगा, अभी ये कम्प्लीटली लॉक हो चुका है आपके लिप्स पे। सो
ये है हैक्स थोड़े बहुत जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए है और ट्रांसफर प्रूफ के लिए है। सो अब हम बढ़ेंगे लिक्विड लिपस्टिक की ओर। सो अब मैं दिखाऊंगी कि हम लिक्विड लिपस्टिक कैसे लगाएंगे। तो मैंने, आप जैसे ऑलरेडी देख सकते हो, हमने वैसलीन लगाया है, पिगमेंटेशन के लिए हमने कंसील किया है। अब हम लिप पेंसिल्स को सिर्फ शेप देंगे, फिल नहीं करेंगे, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड लिपस्टिक का जो टेक्सचर रहता है वो काफ़ी हैवी रहता है, सो ज़रूरत एंड ओपेक होता है, सो ज़रूरत नहीं रहती है कि अपन लिप फिल करें। एंड वैसे भी वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है तो ज़रूरत नहीं है कि आप लिप फिल करने की ज़रूरत है, सिर्फ लाइन कर दीजिए, एक बाउंड्री बना दीजिए ताकि आप अंदर ही करें। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, बहुत मैसी रहता है अगर आप डायरेक्ट लगाए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है एंड आपको नहीं प्रॉपर आता और आप बहुत घाय घाय में और आपको लगाना है, तो फिर दिस इज द इजी वे, बहुत जल्दी लग जाता है लिक्विड लिपस्टिक। क्या हम सेंटर बना देंगे? अब हम लगाएंगे लिक्विड लिपस्टिक। सो हमें इसके अंदर ही लगाना है। और हमेशा आप कॉर्नर्स पे भी लगाएं, वरना क्या होता है, कोई कोई को मैंने देखा है कि इतना ही लगाएंगे और जब आप कुछ बोलते हैं तो यहाँ पे रहता ही नहीं है लिपस्टिक, तो मत कीजिए, कॉर्नर्स पे भी लगाइए। एंड कभी भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि क्रीम लिपस्टिक लगाते तो ठीक है हम ऐसे करते हैं, बट लिक्विड लिपस्टिक पे ना करें। अगर आप वो करेंगे तो पैची हो जाएगा, बिकॉज लिक्विड लिपस्टिक क्या रहती है, ऑलरेडी उसका टेक्सचर अलग रहता है। क्रीम लिपस्टिक में आम करेंगे ऐसे तो चलेगा, क्योंकि वो इवन आउट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ये क्या करेगा, ये पैची हो जाएगा आपका लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक का फॉर्मूला अलग रहता है, तो कभी भी आप लगाएं तो ऐसे ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो पैची हो जाएगा। तो हम ऐसे ही उसको छोड़ देंगे ड्राई आउट होने के लिए, वो अपने आप ही ड्राई आउट, जैसे आप देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी ड्राई आउट हो गई है लिपस्टिक। एंड हमेशा अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो तो उसके ज़्यादा लेयर्स ना करें, सिर्फ एक ही स्वॉप चाहिए। आप लिपस्टिक ले रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो थोड़ा उसको वाइप कर दो, थोड़ा निकाल दो, एंड देन सिंगल स्ट्रोक में ही लगा के आप उसको इमीडिएटली स्प्रेड कर दो, इवन कर दो, तो वो अच्छे से एक ही स्ट्रोक में लग जाएगा। आप इसके, अभी आपने एक ऑलरेडी लगा दिया है लेयर, आप दूसरा लेयर लगा रहे हैं, एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है तो ये ड्राई हो जाके, मैट हो जाके इतना पैची लगेगा, इतना फ्लेकी लगेगा कि आपकी लिपस्टिक निकलने लगेगी एंड बहुत अनइवन लगेगा और बहुत गंदा दिखेगा। सो फिफ्थ स्टेप है, पांचवा स्टेप है रिमूविंग वाटरप्रूफ लिक्विड लिपस्टिक। सो लिक्विड लिपस्टिक्स काफ़ी हैवी रहती है, नॉर्मल जो लिपस्टिक्स रहती है, क्रीम लिपस्टिक्स रहती है, वो आप इवन बेबी वाइप्स या कोई भी क्लेंजिंग वाइप से करोगे तो वो निकल जाएगा, बहुत ईजीली निकल जाएगा, बट जो लिक्विड मैट लिपस्टिक्स रहती है वो नहीं निकलते हैं। तो उसको निकालने के लिए, अच्छे से ईजीली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी वैसलीन लेंगे, या तो आप बेबी ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, मैं वैसलीन ले रही हूँ। तो क्या करेंगे, हम वैसलीन लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए पूरा जो भी लिपस्टिक हमने लगाया है वो, तो पूरे में हम वैसलीन लगा देंगे तो ये क्या मेल्ट होके इजीली निकलेगा, एंड देन फिर हम उसे माइसेलर वाटर से वाइप ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसे टिश्यू से पोंछ लेंगे। जैसा आप देख सकते हो कितना इजीली निकल गया ये लिक्विड लिपस्टिक, वरना ये इतना इजीली नहीं निकलता है।
सो हम अब कॉटन पैड में माइसेलर वाटर लेके कम्प्लीटली क्लीन कर देंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। जैसे ही आपने बेबी ऑयल या कुछ भी ऑयल लगा के क्लीन किया वैसलीन, इससे हम आसानी से निकाल देंगे। सो ये हो गए हमारे 5 hacks, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम कैसे लिपस्टिक लगा सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप हम जो लगाएंगे वो है, आपने निकाल दिया लिपस्टिक आपका हो गया, आपने निकाल दिया, आप मॉइस्चराइज कर दीजिए आपके लिप्स वैसलीन से या लिप बाम से, एंड देन दैट इज डन। सो हमेशा व्हेनेवर, स्पेशली जब आप लिक्विड लिपस्टिक लगाएं और जब आप निकालें मेकअप और आपका लिपस्टिक जब निकालेंगे, हमेशा उसको वैसलीन लगा देना उसके बाद, ताकि अपने आपकी लिप्स मॉइस्चर रहे, सॉफ्ट रहे, ना कि एकदम ड्राई हो जाए और फट जाए लिप्स। तो हमेशा मॉइस्चराइज करते रहे अपने लिप्स को। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है कि आपके आपको अपना लिप्स मॉइस्चराइज रखना है हमेशा। सो दैट्स इट, आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए हैं कैसे लिपस्टिक लगाना है कैसे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये बहुत हेल्प हुआ है, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हुआ है, तो फिर आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनके लिए भी इजी हो लिपस्टिक लगाना, उनके लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो उतना ही जितना आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल रहा है। तो और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, अगर आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, मैं मोस्टली वहाँ पे एक्टिव रहती हूँ और डालती रहती हूँ पोस्ट, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने उसका लिंक छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।